एवरीवन, वेलकम टू श्रमिक विद्यालय. माय सेल्फ फिरदौस शेख. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू इन आवर स्टैंडर्ड 6 एंड चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ईच वन ऑफ अस इज अ स्किल और गुड एट समथिंग, बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन अ डिफरेंट वे. अब हम सबको पता है कि हर एक इंसान की अलग से अपनी स्किल्ड होती है, बट कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इंटेलिजेंस होते हैं वो, और उनकी जो वे है वो भी पूरा डिफरेंट होता है. सो मल्टीपल इंटेलिजेंस इज विजुअल इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज अ विजुअल इंटेलिजेंस, जो देख के सीखते हो, प्रेजेंट करते हो, लाइक दैट पर्सन. सो वी हैव टू लर्न अबाउट दैट पर्सन. विजुअल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू थिंक इन अ पिक्चर्स, क्रिएट अ मेंटल इमेजिन, टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट अ मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज एंड मूवीज. यानी ये टाइप्स के जो बच्चे होते हैं, दे लाइक टू थिंक इन अ पिक्चर, पिक्चर के बारे में सोचते हैं, मेंटल इमेजिनेशन करते हैं, रिमेंबर याद रखते हैं, लुकिंग एट मैप्स, मैप्स को देख के इंजॉय करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, उसके ऊपर से वो लोग जो भी डिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट करते हैं. दे लाइक गुड एट, और वो किस चीज में अच्छे होते हैं. सो दे गुड इन अ पजल बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, साइंस ऑफ आर्ट, डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, फ्लिकिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स. तो ये चीजों में वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं. उनको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि पजल बिल्डिंग है तो अच्छे से सॉल्व कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू कैन बिकम, मीन्स दे दिस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम नेविगेटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर एंड मैकेनिक इंजीनियर. तो ये टाइप्स के जो बच्चे होते हैं जो विजुअल देख के सीखते हैं वो ये बन सकते हैं. नेक्स्ट है वर्बल इंटेलिजेंस, जो बोलने में और बोल के अपनी जो थिंकिंग है उसको प्रेजेंट करते हैं वो टाइप्स के बच्चे. यू लाइक टू यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन अ वर्ड्स रेदर देन अ पिक्चर्स. यानी कि पिक्चर देख के ही वो अपने वर्बल इंटेलिजेंस से जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट करते हैं. लैंग्वेज बहुत ही बेटर एंड नाइस लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो टाइप्स के बच्चे. उनको क्या अच्छा लगता है, यू आर गुड एट, और क्या वो चीज में, कौन सी चीज में वो अच्छे होते हैं. स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट्स ऑफ व्यू. यानी ये टाइप के जो बच्चे होते हैं वो स्पीकिंग में, राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, लिसनिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं. उनको वो बहुत उसमें बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं ये सब चीजों में. दे कैन बिकम अ, वो क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम अ पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड ट्रांसलेटर. ये बन सकते हैं जो विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं वो, उनमें ये टाइप्स की जो स्किल होती है, उनका इंटरेस्ट ये टाइप्स में होता है, स्पीकिंग, राइटिंग में, और फिर वो क्या बन सकते हैं फ्यूचर में. सो दे कैन बिकम पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड ट्रांसलेटर. नाउ नेक्स्ट इज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो मैथ्स, मैथ्स में जो इंटेलिजेंस होते हैं उनके क्या स्किल्ड होती है, उनको क्या अच्छा लगता है, व्हाट दे आर लाइक एंड नॉट लाइक. दे लाइक टू यूज अ रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स. ये टाइप्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूज रीजन, यानी रीजनिंग एबिलिटी उनके अंदर रहती है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हैं हर चीज जानने के बारे में, और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल पर्सन होते हैं. यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग पजल्स, एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वर्किंग विथ ज्योमेट्रिक शेप्स. तो ये सब चीजों में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं. एंड दे कैन बिकम अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर,
अकाउंटेंट एंड मैथमेटिशियन, ये सब वो बन सकते हैं जिसका इंटरेस्ट मैथ्स में हो। ठीक है, तो क्या बन सकते हैं, तो ये बन सकते हैं। ठीक है, और वो इसमें बहुत अच्छे होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, थिंकिंग अबाउट द नेचर, दे आर गुड एट इन दिस फील्ड। ओके, सो दिस इज अ विजुअल वर्बल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दिस टाइप्स ऑफ पर्सन। जस्ट थिंक अबाउट दिस इन अ विच काइंड ऑफ यू, आप कौन से टाइप्स में, कौन से काइंड में आते हैं, आपका काइंड कौन सा है। ठीक है, आपको सोचना है आप विजुअल इंटेलिजेंस हो, क्या आप वर्बल इंटेलिजेंस हो, क्या आप मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से आपके अंदर कौन सी स्किल्ड आपके अंदर है। जस्ट थिंक अबाउट दिस, बींग अ गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बट देर आर अ मैनी अदर टू। आपकी स्टडी में बहुत अच्छे होना, जैसे कि विजुअल, वर्बल, मैथमेटिकल होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वे है जिसमें आप इंटेलिजेंस हो सकते हो, यू कैन बिकम अ फेमस इन दैट। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू। Remember that there will be probably be more than one type of intelligence which fits you. तो अब आपको find out करना है कि आप अगर visual, verbal और mathematical intelligence नहीं हो तो इनमें से for example bodily intelligence, musical intelligence and interpersonal intelligence, इनमें से आप किसी के अंदर fixed होते हो, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर ये types का कुछ different चीज आपके अंदर है, वो आपको find out करनी है। Bodily intelligent means they like to control their body movement and handle objects skillfully. They have a good sense of a balance and can catch or hit a ball well and like to dance. You like to move around while learning. अब ये टाइप के जो बॉडीली इंटेलिजेंस है वो बहुत ही अच्छे से स्किलफुल्ली होता है, ऑब्जेक्ट हैंडल कर सकते हैं वो, मोमेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, बोलते हैं ना हम लोग कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो दे आर कंट्रोलिंग एट देयर बॉडी एंड कैच और हिट बॉल वेल, बहुत अच्छे से वो बॉल को हिट कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। मीन्स अवर क्रिकेटर बॉलर जो होते हैं उनका बॉडीली इंटेलिजेंस है वो, क्योंकि वो तुरंत ही बॉल कैच कर लेते हैं। दैट इज द वेरी नाइस एग्जाम्पल फॉर बॉडीली इंटेलिजेंस। एंड अ डांसर ऑल्सो द बॉडी इंटेलिजेंट, क्योंकि उनका पूरा बॉडी पे कंट्रोल होता है कि कौन से स्टेप्स हमें कहाँ पे लेने हैं। सो दे आर लाइक टू एंड दे आर गुड एट, और किस में वो गुड होते हैं, तो डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, माइमिंग, यूजिंग द हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी। तो डांसिंग तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि डांसर जो होते हैं वो अपना इमोशन अपनी बॉडी के मूवमेंट से प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो दैट इज द बॉडीली इंटेलिजेंस, एंड दे कैन बिकम डांसर, एथलेट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर, फायर फाइटर एंड क्राफ्ट्स पर्सन, ये सब वो बन सकते हैं जिसका बॉडीली इंटेलिजेंस, जो बॉडीली स्किल जिसकी होती है वो ये बन सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कम्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस। You like to play and enjoy music. You think about sound, rhythms and patterns. You immediately respond to music, either appreciating or criticizing what you hear. म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो होते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं, तो प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, उनको म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब म्यूजिक बजती है, कोई रिदम साउंड वो सुनते हैं, उसका पैटर्न के सोचते हैं पैटर्न के बारे में, और इमिडिएटली रिस्पॉन्स टू म्यूजिक आई द अप्रिशिएटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। अप्रिशिएटिंग यानी उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना कि वाह ये म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, और क्रिटिसाइजिंग मीन्स तुरंत ही पता चल जाए कि नो ये बहुत बुरा म्यूजिक है, ये अच्छा नहीं है, इसके साथ में ये सॉन्ग के साथ में ये म्यूजिक मैच नहीं हो रहा है। लाइक दिस दैट टाइप ऑफ पर्सन, थिंक अबाउट द म्यूजिक एंड दैट टाइप एंड रिदम एंड दैट साउंड्स, इमीडिएटली दे गिव द रिस्पॉन्स अबाउट दैट एंड दे आर गुड एट, और वो किस में अच्छे होते हैं। अब उनको अप्रिसिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग तो करते हैं, बट अच्छे किस में होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो दे आर गुड एट सिंगिंग,
whistling, physical musical instrument, recognize tunes, composing music, remembering melodies, understanding the structure and rhythm of music. So they are good at in this, and they can become a म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी. डिस्क जॉकी मीन्स योर डीजे, जो आप डीजे बोलते हो ना, दैट. सिंगर एंड कंपोजर, दे कैन बिकम म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर एंड कंपोजर. सो दैट इज अ म्यूजिकल इंटेलिजेंस. ओके, नेक्स्ट इज interpersonal intelligence. So they like to understanding others. Interpersonal intelligence means एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी relation, conversation करते हो वैसे person, जो एक दूसरे के साथ और दूसरे person के साथ बहुत ही अच्छा behavior रखते हो वो person, तो वो होते हैं interpersonal intelligence. Understanding others, you try to see things from other people's point of view in order to understand how they think or feel. You are a good organizer and manage to get other people to cooperate and works as a team. तो वो क्या, उनको वो कैसे होते हैं, तो वो एक दूसरे की, किसी की understand, किसी को समझते हैं. पीपल को जो भी उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उसका अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, मैनेज, एक अच्छे से टीम बना के उसमें वर्क करते हैं, एक दूसरे को संभाल के रखते हैं, अपनी टीम के जो भी पर्सन हो उनके साथ में अच्छे से कन्वर्सेशन करके उनको अच्छे से संभाल के रखते हैं. ये उनका अंदर का पॉइंट होता है. यू आर अ गुड एट, वो किस में अच्छे होते हैं, सीइंग थिंग फ्रॉम अदर व्यू, चीजों को दूसरे तरीके से देखना, यानी जिस तरीके से हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, कोई फ्लावर हम देखते हैं, ठीक है, बट थिंक फ्रॉम अदर व्यू, उसको दूसरे तरीके से देखने जाए तो उसकी लाइफ के बारे में सोचा जाए, उसके कलर्स के बारे में सोचा जाए. सो ये एक दूसरा तरीका होता है किसी चीज को देखने का. Listening, understanding other people's mood and feeling, किसी person की, दूसरे person की जो feeling होती है, mood होता है, उसको पहचानना, उसको समझना, वो skill उनके अंदर होता है. Solving problems, cooperative with the groups, noticing people's moods, communicating, building trust. तो वो कैसे होते हैं, तो उनका बिहेवियर जो है तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिंग होता है, अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेट करते हैं वो, उनका पीपल्स के जो मूड है वो पहचान लेते हैं वो, ये टाइप्स के पर्सन वो होते हैं. एंड दे कैन बिकम, और ये टाइप्स के जो पर्सन है वो क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम अ काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन एंड अ टीचर. तो ये टाइप के पर्सन टीचर बन सकते हैं. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो टीचर बन सकते हैं. एंड वर्ब इंटेलिजेंस आल्सो बिकम अ टीचर. ओके, देन माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आउट योर टाइप्स, आपका टाइप्स आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो है वर्ब इंटेलिजेंस, फिर है विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडी इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तो विच यू हैव, आप कौन से हो, आपके अंदर क्या है, दैट फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है. और जो जो स्किल आपके अंदर जो भी है इनमें से है, या फिर ये थ्री यानी टोटल सिक्स के अंदर आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको, अंदर के इंटेलिजेंस को पहचानना है कि मुझे म्यूजिक अच्छी लगती है तो फिर मैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस हुआ, मेरी बॉडी फिजिकल फिटनेस हो, मैं मेरी बॉडी जो है उसकी अच्छी मूवमेंट है, सो यू आर अ बॉडी इंटेलिजेंस. इफ यू स्पीक अ वेरी नाइस वर्ड्स एंड you like to think in a words rather than a picture, then you are verbal intelligence. If you like to see a pictures, imagination, remember things, so you are a visual intelligence. And if you are master in a mathematical, then you are the mathematical intelligence. And if you are a very conversating with the other person with the very politely, and you want you understanding the other person's moods and their languages, then you are a interpersonal intelligence. And if you like to play and enjoy music, then you are musical intelligence. So find out who you are.
बिकॉज आवर चैप्टर इज हु आई एम, अपने आप को पहचानना है। जैसे हमने वो बच्चों को पहचाना कि उनको क्या अच्छा लगता था, उनको खेलना, उनके पेरेंट्स को हेल्प करना, सीड कलेक्ट करना, दे वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये टाइप्स के बच्चे जैसे हमने पहचाने, तो हम अब अपने आप को पहचाने क्योंकि इनमें से हम कैसे हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस जो अंदर है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्किंग विद द टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो स्टार्ट। व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई बॉडीली इंटेलिजेंस। जब मैं डांस करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ या करता हूँ, तब मैं कौन से इंटेलिजेंस है मेरे अंदर, कौन सा होना चाहिए, तो बॉडीली इंटेलिजेंस है, तभी मैं ये सब कर सकता हूँ बेटर देन अदर। व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट अ मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज माई विजुअल इंटेलिजेंस। Then, when I enjoy working with the numbers and solving maths problem, I use my mathematical intelligence. And last is when I enjoy telling a story or arguing, I use my verbal intelligence. अगर bodily, physical activity अच्छी होती है तो bodily intelligence कहलाएगी। अगर उनका examination in picture बहुत अच्छा है तो visual intelligence। और वो maths में बहुत अच्छे numbers और solving maths problem, they are a mathematical intelligence। And if they are telling a story or arguing with the other, they are a verbal intelligence। Okay? Next, working with language. मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ओनली लर्न नाउ। फर्स्ट इज नेविगेटर। सो नेविगेटर जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे देखना है। तो लुक एट द सी, नेविगेटर इज अ फाइंड्स एंड मॉनिटर द रोड टू गेट अ प्लेस और अ डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेवल। सो आंसर इज सी, मीन्स ये सी के साथ मैच होता है। आर्किटेक्ट मीन्स ई, आर्किटेक्ट ई, ई क्या है, फाइंड आउट। प्लान्स द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी। ओके, दे आर कॉल्ड द आर्किटेक्ट, दे आर, दिस इज देयर जॉब। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन इज अ वर्क इन अ पॉलिटिक्स यूजली बाई स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, दैट आर कॉल्ड द पॉलिटिशियंस। आंसर इज बी। देन नेक्स्ट इज इंजीनियर। सो इंजीनियर इज अ डिजाइन एंड बिल्ड थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस और अ इंजिन, दैट कॉल्ड द इंजीनियर। Then next is computer programmer. So computer programmer is the design the system by which a computer runs or give informations. Then next is athlete. So athlete is works in sports or activities such as a running, jumping, etc. The next is disc jockey, your favorite DJ. So it is the F controls and puts together a program of music, that is the disc jockey. The next job is composer, and a composer means what are their job, makes up notes to create music. And the next is counselor. So counselor is advises people what to do about job, personal problem and etc. And the last is journalist, and journalist work is report on a recent news for newspaper, radio or TV. So these are the correct job, okay, of the correct person and that correct work for their job. Okay, so in this video, we are stop here. In the next video, we will continue in our standard 6. I hope you are enjoying and find out your kind. Okay, आपको अपना kind भी find out करना है कि आपका kind कौन सा है. Okay, and now write this work in your workbook.
So we will meet in our next video. So bye bye, take care, thank you.